सो गाइस कैसे हैं आप सब, फिर से वेलकम है आप सबका एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। और जैसा कि मैंने आप सबको अपने पिछले वीडियो में एक नीचे मैच कमेंट करने को बोला था जो कि रेसलमेनिया 36 में होने वाला है, इसलिए देखते हैं आप सब ने रेसलमेनिया 36 से किस मैच को खेलने के लिए सबसे ज्यादा डिमांड किया। वैसे भाई मैचेस के लिए तो काफी ज्यादा कॉमेंट आया, तो सबसे पहला जो कॉमेंट आया है मैच खेलने के लिए वो है चरणजीत सिंह की तरफ से, भाई रिया रिपली वर्सेज शार्लेट फ्लेयर। ओके, इसके बाद हरमित सिंह ने किया है बैकी लिंच वर्सेज साइना बेजलर, ठीक है। इसके बाद क्रिस सुधान भाई ने किया है अंडरटेकर वर्सेज एजे स्टाइल्स। ओके, उसका विकास सिंह ने किया लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। ओके, इसके बाद ड्रू मैकेंटायर वर्सेज ब्रॉक लेसनर, तो भाई ये मैच मैं खेल चुका हूँ। उसके बाद मोहम्मद क्वादिस भाई ने कमेंट किया है रोमन रेंस वर्सेज गोल्डबर्ग वर्सेज, भाई ये तो दूसरा मैच है मतलब। इसके बाद रसल किंग ने किया ड्रू मैकेंटायर वर्सेज ब्रॉक लेसनर, भाई ये तो मैं खेल चुका हूँ। और उसके बाद एलिस्टर ब्लैक वर्सेज रोवन एंड कैलिस्टो वर्सेज रॉबर्ट रूड, ये भी भाई रेसलमेनिया में होने वाला नहीं है। और भाई कह सकते काफ़ी सारे साल लगभग सारे मैचेस के कमेंट आए हैं जो कि होने वाले रेसलमेनिया 36 में। एंड भाई मैं सोचूं तो कौन सा मैच खेलूं, तो मैं खेलता हूं एजे स्टाइल्स वर्सेस अंडरटेकर। एंड आई होप कि आप भी इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड तो ज़रूर होंगे क्योंकि ये एक होने वाला है ड्रीम मैच, इसलिए मैं जल्दी से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर स्टार्ट करता हूँ। और साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ एक 3-on-1 हैंडीकैप मैच खेलूँ जहाँ पर ब्रॉक लेसनर एक साइड में होंगे एंड उनके अगेंस्ट होंगे WWE कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि कोई सुपर हीरो या फिर सुपर विलन जैसे कि थैनोस, हल्क या फिर कोई और, जो कि आप सब मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि मैं तीन नेम किसे लूँ, यानी कि आप सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसे जल्दी जल्दी अपने कॉमेंट कर देना एंड शुरू करते हैं अपना जल्दी से आज का मैच जो कि अंडरटेकर वर्सेज एजे स्टाइल्स। एंड मैं अंडरटेकर का यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर लेने वाला हूँ जो कि आप सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हाँ, तो भाई फाइनली इंटरेस्ट का टाइम हो चुका है स्टार्ट, इसलिए देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। और भाई ये रेसलमेनिया 36 का स्टेज देखो, ये मैंने बताया बस 10 से 15 मिनट के अंदर क्योंकि आप सब मुझे काफी सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि भाई रेसलमेनिया 35 के स्टेज में रेसलमेनिया 36 का फील नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा अपने तरफ से डिजाइन किया है। बताना कैसा बना, वैसे कुछ खास तो है नहीं। और अब आ चुके हैं सबसे पहले डेड मैन अंडरटेकर अपने बाइक के साथ, और ये डेड मैन वाले अंडरटेकर नहीं है, ये है अमेरिकन बैडएस। और भाई देखते हैं इनका बाइक का पूरा देखेंगे सीन। और अब मैंने इस मैच में अमेरिकन बैडएस को क्यों लिया वो आप सबने आइडिया लगा ही लिया होगा क्योंकि अभी हमें अंडरटेकर थोड़े बहुत इसी कैरेक्टर के देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस मैच में अमेरिकन बैडएस को लिया जाए। और भाई कह सकते हैं गजब की एंट्री थी अंडरटेकर की। और जैसे ही बाइक वाला सीन होगा ख़त्म, चाबी तो निकल चुका है बाहर, एंड जैसे ही अंडरटेकर रिंग की तरफ बढ़ेंगे मैं कर दूंगा इस सीन को स्किप क्योंकि भाई उनका बाइक वाला सीन तो पूरा देखना था, इसलिए करते हैं स्किप। और अब बारी है फिनोमिनल एजे स्टाइल्स की। और भाई कहाँ है फिनोमिनल, और आ चुके हैं फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। ओ भाई आ चुके हैं एजे स्टाइल्स, और मैंने इस साल के रेसलमेनिया को थोड़ा ध्यान में रखते हुए बनाया, यानी कि ना तो ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी का स्टेज बनाया ना ही ज़्यादा लो क्वालिटी का, जितना कुछ हो सके होने वाला है रेसलमेनिया उसी टाइप का बनाया मैंने। और भाई होने देते हैं एजे स्टाइल्स के अनाउंसमेंट, उसके जे स्टाइल्स, और करते हैं इसे स्किप। और भाई अब मैच होने वाला कुछ ही देर में रेडी, और दोनों सुपरस्टार हो चुके हैं रेडी। और ये मैच हुआ फाइनली स्टार्ट, और भाई मेरी क्लोज लाइन, और भाई मिस हो गया भाई, क्लोज लाइन की कोशिश तो की थी बट एजे स्टाइल्स वहाँ से हट गए और एजे स्टाइल्स ने यार मुझे दे दिया स्टार्टिंग में एडिटी। यार एजे भाई रुक जा, भी तो मैच स्टार्ट ही हुआ यार, शुरू में तो अटैक करने दे। हाँ अब उठ चुका हूँ, ये जा तू पीछे, अब आया हूँ मैं फॉर्म में, उठ जा भाई बाहर चल गया, आ जा अंदर। और ये ले पंच, वो भाई पकड़ लिया, अरे रुक जा भाई अजय ना मारेगा यार, ओ डीडीटी नहीं इतनी आसानी से नहीं, ये ले भाई पंच, और फिर से ले एक, आ भाई ये ले, अब बोल, बहुत रिवर्स करता है ये, खड़ा हो अंदर लाता हूँ तुझे, और आ जा भाई अंदर, ये होती है पावर, आ जा भाई। अब मैंने सोचा इस मैच में एजे स्टाइल्स को लूँ बट फिर सोचा नहीं अंडरटेकर को ही लेता हूँ, और अंडरटेकर को नहीं मतलब अमेरिकन बैडेस वाले कैरेक्टर को लेता हूँ, थोड़ा मजा आएगा खेलने में। ओ भाई एजे स्टाइल्स यार रिवर्स किए जा रहा है, ये लो भाई मैं भी कर सकता हूँ रिवर्स, ओ भाई देखो कितने रिवर्स करता है ये, अभी तो भाई शुरू ही हुआ ये। ओ भाई ये अंडरटेकर ऐसे कैसे फेंक रहे हो यार तुम, ये ले और रुक गया भाई, ये ले,
ओ भाई कितना यार रिवर्स करता है ये। ओ भाई देखो रिंग को बाहर भेज दिया और आराम से बाहर मुझे अटैक करे। अच्छा काउंट आउट मैच है ना। अब शायद इनके बीच हमें एक स्टिपुलेशन पढ़ते हुए दिख सकती है मैच में, जो कि है बोन यार्ड मैच की। अब पता नहीं वो क्या चीज़ है, वो तो मैं रेसलमेनिया के दिन ही पता चलेगा। बोन यार्ड अब क्या चीज़ है वो पता नहीं। ओ भाई ये ले आ जा रिंग के अंदर, क्योंकि काउंट आउट से ख़त्म नहीं होना चाहिए मैच। ले भाई तेरे लिए काउंट रुका दिया हूँ मैं, आओ गया बाहर स्टाइल दे रहा हूँ। आ जा तो आ जा, आ रहा है, आ जा भाई रेडी हो, आ जा ये ले। ओ भाई देखो कितना रिवर्स करता है यार, अभी तो नीचे ऐसे पड़ा हुआ था यार कि उठ नहीं पाएगा। हाँ भाई ये ले, तू ही रिवर्स कर सकता है खाली। ये ले पंच और ये ले और सिग्नेचर आ चुका है भाई। रुक इधर, तू निकल पहले, तब सिग्नेचर पड़ेगा तुझे। ये पहले तू गिर नीचे और भाई उठ सिग्नेचर देने के लिए। रेडी नहीं हो रहा हूँ भाई, सिग्नेचर चल गया क्या? नहीं गया वो सिग्नेचर, कैसे चल जाएगा इतनी जल्दी? भाई उठ जा एक बार टेस्ट करना सिग्नेचर, भाई उठ। हाँ ये ले सिग्नेचर क्या, चोक स्लैम। अच्छा और ये रहा चोक स्लैम, कवर 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 भाई। रेपगिन वन टू किक आउट। चलो कोई नहीं, सिग्नेचर था ये भाई। इनका फिनिशर तो ये नहीं होगा ना, टोमी स्टोन। इनका फिनिशर होगा क्या बोलते हैं, क्या था भाई? हाँ लास्ट राइड। ओ भाई ये, वो भाई ये लॉक क्या दिया जाए? नहीं सबमिट। हाँ चलिए भाई, भाई डरा देते हो। अब भाई रुक तुझे फिनिशर लगाना पड़ेगा। फिनिशर आया था शायद, हाँ हाँ फिनिशर है। बट यार रुक अच्छा से इसको मारता हूँ पहले, क्योंकि भाई एजेस्ट है बहुत रिवर्स करता है, जो कि आप सबने देख ही लिया होगा। ओ भाई ये देखो टॉप रोप पे चढ़ गया भाई। अंडरटेकर कैसे कैसे मार रहे हो यार। अरे यार ये अब देगा भाई फिनोमिनल फोरआर्म। भाई गया मैं, सच बता रहा हूँ भाई, फिनिशर दे देगा तो गया मैं भाई। कनेक्ट हुआ तो गया भाई, कनेक्ट हुआ तो गया। और ये फिनोमिनल फोरआर्म गया भाई, कोई नहीं बचा सकता, गया भाई। भाई ये जे क्या कर दिया यार। वन टू, हो भाई बच्चा यार एंड मौके पर। हो भाई भाई मुझे लगा गया यार, फिनोमिनल फोरआर्म लगा दिया था भाई। ये जे ऐसे कैसे मारते हो यार अचानक से भाई। बचा भाई, रुक उठता हूँ मैं। ये ले भाई तुझे तू का फिनिशर लगाना ही पड़ेगा। आ जा एक बार फिर फिनिशर बस। ओ भाई पीछे से अटैक करते हो, कवर करेगा क्या भाई? नहीं कवर करने नहीं दूंगा मैं। ये ले भाई क्लोज लाइन, अब आ चुका हूँ फॉर्म। उठ 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 जा भाई, उठ। नहीं उठे तो मारते रहें, उठ। हाँ फिर से ले क्लोज लाइन। ओ भाई ये हुई ना बात, फिर उठ उठ जा और फिर से ले। ओ भाई हट गया, मुझे लग ही रहा था कितना वायर गिरेगा। अब आ गया सिग्नेचर, रुक जा भाई अच्छा से पहले मारता हूँ। रिवर्स जानते हो ना आपसे कितना करता है ये। और ये ले अब उठ भाई, सिग्नेचर दिखा क्यों नहीं रहा यार? चोक स्लैम के लिए तो पोज होता है ना, उसके लिए खड़ा होता है, बट यहाँ नहीं ऐसा है। उठ जा भाई, उठेगा तभी चोक स्लैम लगाऊंगा। उठ जा भाई, अच्छा से गिराना पड़ेगा इसे। ये ले उठ जा भाई, इतना मारो। ये देखो रिंग के बाहर चल गया। आ जा भाई आ जा, रेडी हूँ। ये ले पंच, ये हुई ना बात। अब उठ जा, ओ भाई फिर चल गया बाहर। आ जा भाई उस पर अच्छे से अटैक करना पड़ेगा तब। ये ले पंच, ओ भाई मतलब क्या यार, ड्रॉप किक दोगे मुझे? भाई मैं अंडरटेकर हूँ, अमेरिकन बैड एज वाला हूँ भी। ये जा भाई तू पी छे। और अब भाई आ चुका हुआ फिनिशर शायद, देखता हूँ। उठ जा भाई, ये जे स्टाइल्स उठो। ओ भाई रेफरी सॉरी सॉरी रेफ भाई सॉरी रेफरी सॉरी सॉरी रेफरी। अब ये जे स्टाइल उठाएगा इसका फ़ायदा। सॉरी रेफरी भाई, गलती से लग गया क्लोज लाइन, मैं कुछ ज़्यादा जोश में आ गया। ओ भाई फिनिशर आ चुका है, लेकिन भाई ये मारने देगा तब ना। ये देखो आरो कभी रिवर्स करता हूँ भाई। और ये ले ये ले ये ले और आजा भाई। ओ भाई ये देखो कितना रिवर्स करता है यार ये। ये जा तो पीछे आता हूँ, रुक तू ऐसे नहीं आने वाला। आजा ओ भाई फिर देखो रिवर्स कर दिया ये।
मतलब ऐसे लगता है यार अब तो हो गया ऐसा काम खत्म, लेकिन नहीं भाई बंदे के अंदर जोश पूरी है। तुमने अंडरटेकर की पर्सनल लाइफ में घुस के गलती किया जिसकी बदला मैं लेने वाला हूँ तुमसे। एजे एजे स्टाइल्स आज तुम्हारी खैर नहीं, अमेरिकन बैडएस आ चुका है। ओ भाई ये देखो कितना रिवर्स करता है, ये लो मैं भी कर सकता हूँ रिवर्स। ओ भाई अब कौन सा मुख पड़ेगा, नेक ब्रेकर। उठ जा भाई, फिनिशर लगाने थे यार तब से, एक बार आप जा फिनिशर। फिनिशर है भी नहीं या नहीं वो नहीं पता, दौड़ के एक बार गिरता हूँ उसके ऊपर, ये ले फिर नहीं उठा, फिर करना पड़ेगा क्या देखता हूँ। रुक जा भाई, हाँ तू गिरा रहे गिरा रहे, और ये ले। ओ भाई डायरेक्शन चेंज हो गया यार, गलती हो गया बट कोई नहीं, अभी भी ये उठा नहीं है। आ जा भाई, अरे यार ये रिवर्स कितना करता है यार। अब ये देगा नेक ब्रेकर, नहीं 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 हाँ ये हुई ना बात। ये ले भूसा ये ले पंच, ये ले स्ट्राइक, ये ले अंडरटेकर का स्ट्राइक। ओ भाई उठ जा, ये ले भाई फिनिशर नहीं आ रहा, मतलब ये ले पंच में फाइट चल रही। आ जाओ भाई पंच से ही करता हूँ, क्या बात है। ओ भाई गलती से, रुक जा ये आ जा, ये जा तू रोप के ऊपर, उठ जा एजे। अब टॉप रोप पे मैं गलती से चढ़ गया, चढ़ जाता हूँ कोई नहीं, क्या बात हुई उठता हूँ उसका लगाऊंगा इसे फिनिशर। उठ जा भाई ये ले, नहीं उठा फिनिशर। आ जा भाई अब तो आ जा, अब तो आ जा, अब तो आ जा, हाँ आ चुका है फिनिशर। आ जा रेडी हूँ, अब पड़ेगा लास्ट राइड और एजे स्टाइल्स का खेल खत्म। उठ जा भाई उठ जा, बहुत रिवर्स कर लिया तूने। और ये पड़ा द लास्ट राइड कवर टेकर, कम ऑन, नहीं अमेरिकन बैडएस कम ऑन। गेन रेफ, एक दो। वो भाई एजे यार कैसे, भाई एजे सच में बता पागल हो गया भाई। फिनिशर आया था ना यार, गलती कर दिया मैं, रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा, अच्छा से मारता हूँ तुमने तो दूसरी बार दोबारा रिवर्स करेगा ये। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, ये ले पंच। ओ भाई गलती कर दिया मौका देखो, ये देखो ड्रॉप किक भाई। एजे का एनर्जी लो नहीं होता यार, अरे 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 अरे। ओ भाई लग रहा है यार मैंने एजे को नहीं, एजे ने मुझे फिनिशर दिया है भाई। आज लग रहा हारने वाला हूँ मैं, पिछली वीडियो में मेरा दिन खराब था और आज भी लग रहा है होगा। और ये साइड स्लैप, उठ जा भाई उठ जा, एक और फिनिशर लग गया तेरा खेल खत्म। और ये अपना मैं पोज दे रहा हूँ आराम से, रेस्ट इन पीस। उठ जा भाई आ जा अंदर, आ जा रेडी हूँ, ये ले पंच। ओ भाई देखो 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 कितना स्पीड है यार बंदे में। हाँ ओ भाई कितना रिवर्स करता है यार, ये रिवर्स पर रिवर्स किए जा रहा है। ये देखो भाई, रुक 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 जा रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा भाई रुक, कब मैं रिवर्स करता हूँ जल्दी 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 जल्दी। हाँ ये ले ये ले ये ले, और ये ले क्लोज लाइन भाई, तुझे ऐसे ही उड़ उड़ के मारना पड़ेगा। तू भी उड़ता है मैं भी उड़ूंगा, आ जा आया भाई। ए भाई गलती से पोज दे दिया यार ये, अब टाइम का मेरा लेगा मजा। ड्रॉप किक, ओ भाई एजे अब मैं ऑटोमेटिक जा चुका हूँ रिंग के बाहर। आ जा एजे, आ जा आ जा आ जा, फिर भी मैं हूँ रेडी। ओ भाई फिनिशर आ चुका है, और यार एजे स्टाइल काउंट कर रहा है क्या, नहीं हाँ रुक थ्री हो चुका है, ज़्यादा देर भी बाहर रहना सेफ नहीं है भाई। एजे स्टाइल से कितना रिवर्स करता है वो आप सब जानते ही हो। हाँ रुक, ये फाइव हो गया भाई, भाई अब डर लग रहा सच बता रहा हूँ। ये ले बहुत रिवर्स किया, तो तुझे गिरा के जाऊँगा। और ये भाई गलती कर दिया यार, गया भाई सेवन हो गया, भाई सेवन हो गया, ये तो घुस जाएगा अंदर। एट भाई 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 एजे यार देखो घुस गया अंदर। हाँ जा 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 जा, काउंट टूटेगा, नाइन हो गया, बच गया भाई, एजे ने बचा लिया, थैंक यू एजे भाई। अभी तो लगा मुझे मेरा खेल खत्म, नाइन पे एजे ने घुस गया था।
हाँ ये ले रिवर्स, बहुत काउंट आउट करवा रहा था मुझे। ओ भाई इतना रिवर्स करता है यार ये जा रहा अटैक, ये जा रहा, हार भी नहीं मान रहा भाई। जीत अगर अंडरटेकर अमेरिकन बैडस इस मैच को जीतते हैं ना, तो मैं आपको आपको इनका एग्जिट दिखाऊंगा, वो भी खतरनाक वाला है भाई। एक बार बस यार जीतने तो दे दे एजे, 6 हो गया। अंदर घुसता हूँ और भाई एजे को एक बार बचा लेता हूँ मैं, क्योंकि उसने मुझे एक बार बचाया था। देख भाई एजे हिसाब बराबर, अब आ जा तू अंदर, आ जा भाई रेडी हूँ मैं, अब तो आ जाना भाई, आराम से पोज देता हूँ मैं, रेस्ट इन पीस। आ जा भाई अंदर, आ जा भाई, और फिनिशर। ये अब गया भाई, अब नहीं गया तो भाई समझ जा मैं हारा। और ये पड़ा लास्ट राइड, कवर टेकर, कम ऑन कवर, 1 2 3 एंड जीत चुके हैं अमेरिकन बैडएस इस मैच को। अब भाई जितना ही था यार, एक चोक स्लैम, दो दो फिनिशर देने पड़े ये स्टाइल्स को। एंड भाई उसने भी मुझे ये क्या बोलते हैं फिनोमिनल फोरआर्म दिया भाई, जो भी हो, लेकिन मैच काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था भाई। एजे स्टाइल्स रिवर्स किया जा रहा था, ये देखो भाई ये लॉक लगाया था मैंने, तो सबमिट नहीं किया और रिवर्स भी कर दिया भाई, लेकिन मैच में पूरा रिवर्स चला, जो भी बोलो आप लेकिन मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया। और भाई आपको इनका अंडरटेकर का एग्जिट दिखाऊंगा मैं, जो कि बाइक से होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और ये पड़ा था लास्ट राइड, ये पहला वाला था शायद ना, हाँ इस पर शायद किक आउट कर देते, 1 2 एंड ये देखो भाई किक आउट किए जा रहे हैं जय स्टाइल्स। अंडरटेकर और भाई जीत चुके हैं, अब होगा इनका एग्जिट जो कि आप सबको दिखाऊंगा मैं। और जीत चुके हैं, अब जाएंगे अंडरटेकर अपने अपने बाइक के पास और लगाएंगे चाबी एंड उन्हें करेंगे स्टार्ट। और भाई जा चुके हैं अमेरिकन बैडएस अपने बाइक के पास, और भाई क्राउड का सीन दिखने लगा, और ये बाइक पे बैठ गए और बाइक का चाबी हुआ ऑन एंड भाई ये बाइक हुआ स्टार्ट। चल भाई टेकर जल्दी आगे, ये हुई ना भाई अमेरिकन बैडएस वाली बात। ओम यो भाई इतना ज़्यादा स्पीड पर चलाओ, हाँ अब होगा क्या, कुछ अब क्या होगा, रुक क्यों गया भाई, हाथ ऊपर, वाह अंडरटेकर वाले पहुंच जाते जाते। और गाइस इसी के साथ हुआ ये मैच ख़त्म, इसलिए अगर आप सबने इस वीडियो को लाइक पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई जल्दी से कर दो, और कमेंट करके आप सबको बताना ये वो क्या करना आप सबको वो पता ही है, इसलिए जल्दी से कमेंट भी कर देना। तो गाइस मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में किसी और मैच के साथ।